बढ़ते हैं अपनी ये ओवन चिप्स रेसिपी की और उसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए है। ओवन चिप्स इंग्रेडिएंट्स आलू 100 ग्राम, ओरेगानो पाउडर स्वादानुसार, काली मिर्च स्वादानुसार, एग व्हाइट 1/2 टीस्पून या 15 ग्राम, नमक स्वादानुसार, तेल 1 टेबल स्पून। ओवन मैंने गर्म करने रखा है। इसकी शुरुआत के लिए ये जो चिप्स लिए हैं मैंने, ये बहुत थिन कट किए हैं और इसको हल्का सा ब्लांच किया है मैंने, और इसको हम डिप करके ये जो हर्ब्स है उसमें थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे और फिर ओवन में रख देंगे। ओवन मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको प्री हीट करके रखा है। इसमें मैं हल्का सा, आप देख सकते हो, 1 चम्मच तेल मैंने उसमें डाल दिया है ताकि ये जो चिप्स है वो उसको चिपके नहीं। अगर आप घर पे चिप्स बना रहे हो तो विद स्किन बनाइए, फिर उसकी टेस्ट भी देखिए। ये जो ऑयल है मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर रहा हूँ ओवन में, ओके। मैंने इसका पानी निकाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा ओरेगानो, नमक और ये काली मिरी पाउडर डाल रहा हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर। लेकिन क्या है कि इफ़ यू वांट, तुम अगर चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकती हो। एग्जैक्टली जो पिज्ज़ा के टॉपिंग्स पे हम डालते हैं वो हर्ब्स इसमें हम मिक्स कर सकते हैं जस्ट टू ऐड फ्लेवर, लेकिन ऑप्शनल है। ये मैंने उसमें हर्ब्स लगा दिया। एक्चुअली जब ये बेक होगा तब इसकी टेस्ट, ओरेगानो जब गर्म होता है ओवन में बेक और रोस्ट होता है तो उसकी टेस्ट महक बहुत अच्छी फैलती है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज नाउ, ये एग वाइट है उसमें मैं सिर्फ डिप कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रेड इट ऑन दिस ट्रे। इस ट्रे पे मैं स्प्रेड करने वाला हूँ उसको। इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्राई करने के लिए, ज़्यादा हमें ज़्यादा वक्त स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तेल गरम कर दिया, ये उसमें डाल दिया और मस्त कुरकुरे चिप्स तैयार हो गए। लेकिन ये बोलते ना, सबर का फल मीठा होता है, उस तरह की चीज़ है। कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। ये चिप्स मैं इसमें अरेंज कर रहा हूँ एंड वो भी लो कैल, वो बहुत इम्पोर्टेंट वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एग वाइट आई थिंक डज द मैजिक बिकॉज इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन एग वाइट, और उसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है जो एग योक में रहता है। मैं नोटिस करती आ रही हूँ कि आप जो भी हमने रेसिपीज हम बना रहे हैं उसमें आप मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, हर किसी का ध्यान रख के एक एक चीज उसमें मिलाई जाती है। I think, एक परफेक्ट डाइट के लिए ताकि एक परफेक्ट डिश में सब कुछ perfect. हो। वेरी ट्रू, आई थिंक दैट्स थैंक्स टू लाबेल रेसिपीज, और ऐसी रेसिपीज बनाने में भी उतना ही मज़ा आता है। हम अभी ये इस पर अरेंज किए हैं तो इसको मैं ओवन में रख देता हूँ। Smells right. Taste it. You can get the crispiness. Pan में करने से अच्छा, या कढ़ाई में वो 1 लीटर तेल में फ्राई करने से अच्छा, फ्रेश ओवन चिप्स आई थिंक गुड सब्स्टिट्यूट। पता है ना, डीप फ्राई किया ना फ्राई किया इन चिप्स को, मतलब ओवन में रखा, मैं और खाने वाली हूँ, बहुत स्वाद है। एंड हर रेसिपी की तरह मुझे लगता है आपको ये भी ट्राई करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की ओर। ओवन चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पतले कटे हुए आलू। आलू को थोड़ा सा ओरेगानो पाउडर, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक के साथ एग व्हाइट में डिप कर लें। अब इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में पकने के लिए रख दें। और लीजिए, हो गई तैयार आपकी ओवन चिप्स। ओवन चिप्स में आपको मिलता है 85.98 कैलोरीज, प्रोटीन्स 1.198 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 7.53 ग्राम्स और फैट 5.6 ग्राम्स।